वो भी 3 करोड़ रुपए में, 3 करोड़ रुपए में यहाँ की टिकट बेच दी। चलिए आपकी पार्टी, आप टिकट 3 करोड़ की बेचो, आप टिकट 10 करोड़ की बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी अकूत संपत्ति का वो मालिक है, ऐसे बंदों को पार्टी ला रही है जिसके पास में अकूत संपत्ति हो, जिसके पास में अकूत धन दौलत हो, मगर जिन्होंने पैसे लिए और जिन्हें पैसे दिए गए, मनीष सिसोदिया, आतिशी, दुर्गेश पाठक, ये सारे के सारे करप्ट हैं। आप इनकी शान और शौकत देखिए जाके। दिल्ली एमसीडी में चुनाव है और 4 दिसंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो कि केजरीवाल ये कहते हैं कि सबसे ईमानदार पार्टी, सबसे मजबूत दिल्ली में पार्टी, लेकिन पार्टी जिन कार्यकर्ताओं ने लगातार पार्टी में शुरुआत से मेहनत करी, काम किया, पार्टी को आगे बढ़ाया, ऐसे कार्यकर्ताओं का टिकट आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी से काट दिया है। अभी हाल फिलहाल में ही आपने एक वीडियो जरूर देखा होगा जो कि एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता टावर पर चढ़ गए थे, वही हसीबुल रहमान मेरे साथ हैं, उर्फ राजू इनका नाम है। क्यों टावर पर चढ़ने की ज़रूरत पड़ गई भाई? देखिए, मैं तो सिर्फ ये इसलिए टावर पर चढ़ा था कि मेरे पेपर जो थे वो रख लिए थे पार्टी ने, जो नॉमिनेशन भरने की प्रक्रिया के लिए जो पेपर होते हैं कि सारे के सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे, यानी कि मेरा वोटर आईडी, उसका सर्टिफिकेट, वो सब कुछ उन्होंने मंगा लिया था पहले से। और उसके बाद में मैं बार बार मांग करता रहा कि अगर मैं मुझे आप टिकट नहीं दे रहे हैं तो मेरे पेपर वापस कर दीजिए। वो मुझ पर दबाव बना रहे थे कि मैं पेपर वापस नहीं देंगे, इसलिए मैं टावर पर चढ़ा। और मैं देश की जितनी भी मीडिया है जिन्होंने मुझे दिखाया, नेशनल मीडिया से ले कर यूट्यूब तक ने, कि उनके दबाव में आकर वो पेपर मेरे पास में वापस आए। अच्छा, क्या कहेंगे, कब से आप पार्टी से जुड़े हुए थे? देखिए, पार्टी में तो मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ था और पार्टी का एज ए फाउंडर मेंबर ही रहा हूँ, मगर जिस तरह से अब ये पार्टी है, ये पहले वाली पार्टी नहीं है। सिद्धांतों से आए थे हम लोग, ईमानदारी का सिद्धांत लेके आए थे, मगर सबसे ज़्यादा करप्ट जो पार्टी है वो आम आदमी पार्टी बन गई है, क्योंकि ये अब वो वाली पार्टी नहीं रही ईमानदार। जहाँ यहाँ पे टिकट जो दिया गया, आप जो जनता देख रहे हैं कि जैसे ही आप आए, अपना कैमरा ऑन करा, ये सारे के सारे लोग आ गए और यहाँ पे आके मेरे पीछे खड़े हो गए, नारे लगा रहे हैं मेरे। ये ऐसा नहीं कोई बुलाई जनता, ये सिर्फ प्यार करती है। इस इलाके के अंदर मैंने 5 साल लगातार काम किया, पूरा इलाके का एक एक बच्चा मुझे जानता है, फिर भी इन्होंने टिकट एक माफिया के हाथ भेज दी, वो भी 3 करोड़ रुपए में, 3 करोड़ रुपए में यहाँ की टिकट बेच दी। चलिए आपकी पार्टी, आप टिकट 3 करोड़ की बेचो, आप टिकट 10 करोड़ की बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। आप टिकट माफिया को दो, आप टिकट भू माफिया को दो, कोई दिक्कत नहीं, मगर ये देखिए कि हमारे पेपर, हम ही को इलेक्शन लड़ने से रोका जा रहा है। इस इलाके के अंदर मेहनत हमने की और हमारी पेपर दबा के रख लिया, इसलिए हम टावर पर चढ़े थे। आप आए वहाँ से, पार्टी ने जो जिला अध्यक्ष थे डॉक्टर आचार्य, उनके हाथों में पेपर भिजवाए, ऑन द रिकॉर्ड सबके सामने वो पेपर आए, एसीपी के सामने वो पेपर दिए गए। जनता ने डॉक्टर आचार्य का जो जिला अध्यक्ष था, उनका मुंह भी काला कर दिया। देखिए, मुंह काला करना गलत बात है, मैं खंडन करता हूँ इसका, क्योंकि मैं टावर पर चढ़ा हुआ था। अगर टावर पर चढ़ा नहीं होता तो मैं बिल्कुल रुकवाता कि मुँह काला मत करो। मुँह काला करके उन्हें भेज दिया, बस हमारे पेपर हमारे पास आ गए, अब हमें किसी से गिला शिकवा कोई नहीं है। हसीबुल भाई, क्या चल रहा है पार्टी में? अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि सबसे ईमानदार अगर कोई है तो आम आदमी पार्टी, कोई अगर टिकट नहीं बेचता है तो वो आम आदमी पार्टी। आम आदमी इसलिए नाम रखा था कि सड़क पे चलता हुआ एक रेहड़ी लगाने वाला भी आम वर्कर, जो पार्टी के लिए काम करेगा, जो पार्टी के लिए मेहनत करेगा, उसको पार्टी आगे बढ़ाएगी, उसको टिकट देगी। लेकिन ये चल क्या रहा है? क्या कोई खेलम खेला चल रहा है क्या टिकट का? यहाँ पे खड़े हुए हैं आप, जिसे भी मानते हो, इधर देखिए, इधर आइए, आप जिसे भी मानते हो, खुदा को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, उसको आपकी कसम, ये बता दो कि यहाँ से जिसे आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया उसका नाम बता दो बस। तुम लोगों में जो किसी को नाम याद है, एक 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 शख्स नाम बता दो जिसे दिया है आम आदमी पार्टी। कैंडिडेट का नाम नहीं पता है, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? क्यों हो रहा है? जब आपने मेहनत करी, आपने पार्टी के संग जब जुड़े, आप जब पार्टी शुरू हुई, ऐसा क्यों, क्या कोई खेलम खेली चल रही है? कोई टिकट 3 करोड़ रुपए है नहीं है, हसीबुल हसन के पास में 3 करोड़ रुपए नहीं थे। जिसे टिकट दिया गया है उसका नाम है, सुनिए, जनता को नहीं पता है, मैं बताता हूँ, उसका नाम है दीपू चौधरी, उसके बेटे का नाम है आदित्य चौधरी, जो इन्हें नहीं पता है, उसे टिकट दिया गया है। जरा मालूम करिएगा उसके पास में कितनी अकूत संपत्ति है।
कितनी अकूत संपत्ति का वो मालिक है। ऐसे बंदों को पार्टी ला रही है जिसके पास में अकूत संपत्ति हो, जिसके पास में अकूत धन दौलत हो, वही तो पैसा दे सकता है। हम क्या दे सकते हैं पार्टी को? हम मेहनत दे सकते हैं। हमारी टांग, ये देखिए, ये टांग टूटी है अभी 15 दिन पहले सीएम साहब के प्रोग्राम में गाजीपुर के अंदर। ये टांग इस हत्ते पे गए थे वो। हाँ, इस टांग के टूटने के बाद में भी हमने 2 प्रेस टेस्टों में हिस्सा लिया, उसके अगले दिन हिस्सा लिया, एलजी साहब किया विरोध किया था जाके, उसके बाद में फिर करा था खत्ते पे, मनीष जी के साथ में गए थे। इस टांग टूटे पे भी हम लोगों ने आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ी थी, एक दिन घर पे नहीं बैठे। क्या दिल नहीं दुखता है कि इतनी करप्ट पार्टी हो गई है कि आप 5-5 करोड़ रुपए में टिकट बेचोगे, आप 3-3 करोड़ रुपए में टिकट बेचोगे? आप क्या चाहते हो? आप किस क्या सिद्धांत लेके आए थे? ईमानदारी का सिद्धांत लेके आए थे। हाँ, मैं ये नहीं मानता हूँ पैसा होना कोई गलत बात नहीं है, किसी पास कम है तो किसी पास ज़्यादा है, ईश्वर ने जैसे दिया। मगर जिसने मेहनत की, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे वो गरीब हो, हमेशा पार्टी का जो सिद्धांत होता है वो मेहनतकश लोगों के लिए होता है। क्योंकि आज आम आदमी पार्टी की जो नींव रखी गई है वो मेहनतकश लोगों ने रखी थी, ना कि पैसे वालों ने। क्या कहेंगे अन्ना हजारे भी, ये एक आंदोलन जब अन्ना हजारे के साथ शुरू हुआ था लेकिन केजरीवाल अलग हो गए और मुख्यमंत्री बन गए, क्या आपकी आवाज़ केजरीवाल तक पहुंची थी जब आप टावर पर खड़े हुए? क्या ये पूरा प्रकरण केजरीवाल जी को मालूम है? क्योंकि वो गुजरात में भी लगातार ये कह रहे हैं कि मेरे से ज़्यादा ईमानदार कोई नेता धरती पर नहीं है। मैं एक बताता हूँ, देखिए मैं केजरीवाल जी के लिए तो कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है, मगर जिन्होंने पैसे लिए और जिन्हें पैसे दिए गए, मनीष सिसोदिया, आतिशी, दुर्गेश पाठक, ये सारे के सारे करप्ट हैं। आप इनकी शान और शौकत देखिए जाके, आप इनके पास में इनके घर देखिए जाके, इनकी गाड़ियाँ देखिए। आज से 8 साल पहले हम लोगों के पास में, मतलब इन लोगों के पास में साइकिल नहीं हुआ करती थी, एक छोटी सी गाड़ी हुआ करती थी। आज 1 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं, मगर इनके नाम में नहीं है गाड़ी, इनके नाम में गाड़ी नहीं है, इनके नाम में राजेंद्र नगर में जहाँ वो रह रहे हैं कितने करोड़ का फ्लैट है, इनके नाम में नहीं है। सब कुछ सेटिंग से हो रहा है, बहुत अच्छे सीए रख रखे हैं, बहुत अच्छे लोग रख रखे, सब मैनेज कर रखा है। बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे, अब आपने आजाद पर्चा भर दिया? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल भर दिया। क्या क्या उम्मीद है? देखिए उम्मीद मैं फिर कहूँगा, आम आदमी पार्टी का क्या जनाधार था, जनता ही थी ना स्टार्टिंग से, क्या चालू हुए थे 2 लोगों के साथ 1-to-1 मीटिंग करते थे। हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, आंदोलनकारी लोग हैं। अरे पार्टी भ्रष्ट हो गई, हम थोड़ी भ्रष्ट हुए, हम तो ईमानदारी से आज भी इलेक्शन लड़ेंगे और जनता हमें जिताएगी। यानी उम्मीद पूरी है जी, बिल्कुल। अभी आप सिंबल की जरूरत नहीं, किसी सिंबल की नहीं है। मैं बेटा बनकर आया था, मैं बेटा बनकर जाऊंगा। तो ये असीबुल हैं, राजू इनका नाम है, इनका ये कहना है कि पार्टी ने जो किया, हमने तो मेहनत की थी पार्टी में लेकिन पैसे नहीं थे, इसलिए शायद पार्टी ने हमारा टिकट काट दिया। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए और जरूर कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आखिर आम आदमी पार्टी में दिल्ली प्रदेश में क्या हो रहा है और दिल्ली में आखिर आएगा कौन। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा।